व्लॉग में आपको मैंने वृंदावन की होली के बारे में बताया था और आपको राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के दर्शन करवाए थे। साथ साथ जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि मैं आपके लिए पागल बाबा के मंदिर की कहानी लेकर आऊंगी, तो आज पागल बाबा के मंदिर में पहुंच गई हूं। सबसे पहले तो आपको मैं इस मंदिर की कहानी बताऊंगी और फिर पागल बाबा के मंदिर की मान्यता बताऊंगी। इसी के साथ आइए चलते हैं। राधा रानी का वास है और उनकी ऐसी ऐसी कहानियां यहाँ प्रचलित है जिन्हें जानकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। एक संत ने साहूकार से कर्जा लिया था और वो कर्जे का पैसा किश्तों में साहूकार को अदा करते थे। संत ने पाई पाई जोड़कर साहूकार का कर्ज अदा किया, लेकिन जब आखिरी किश्त की बारी आई, साहूकार की नियत में थोड़ा सा खोट आ गया और उसने संत पर किश्त ना अदा करने के आरोप लगाए। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और वहां पर साहूकार के द्वारा संत को चोर ठहरा दिया गया। इल्जाम लगा दिए गए कि संत के द्वारा एक भी किश्त अदा नहीं की गई है, कर्जा नहीं चुकाया गया। निश्चय ये लिया गया कि संत को किसी ऐसे शख्स को सामने लाना होगा गवाह के रूप में जिसके सामने उसने पैसे अदा किए। हालांकि ऐसा कोई शख्स वहां पर था नहीं, लेकिन संत ने अपनी ईमानदारी दिखाई और संत ने कहा कि मेरा एकमात्र सहारा बाकी बिहारी है, मैंने बिहारी जी के नाम पर सारा पैसा अदा किया है और बिहारी जी ही एकमात्र सबूत है। ऐसा ही किया गया। संत के ऐसा कहने पर बिहारी जी के मंदिर में कोर्ट से समन भेजा गया, यानी कि कोर्ट से बिहारी जी को पेशी पर बुलाया गया। हैरानी के बाद आगे की कहानी आपको बता दी। हमारे भोले भाले बिहारी जी कोर्ट के नोटिस पर दौड़े दौड़े चले गए और संत के फेवर में बात कर चुके, यानी कि संत के लिए उन्होंने गवाही दी कि मैं ही एकमात्र गवाह हूँ जिसके सामने संत ने साहूकार को अपना कर्जा अदा किया था किश्तों के रूप में। अब जज के द्वारा छानबीन की गई, तहकीकात की गई और इस सब के बाद साहूकार को ही गलत ठहरा दिया गया। बड़ा सवाल जज के मन में ये आया कि नोटिस तो मंदिर को भेजा गया था और मंदिर से ये कौन आया है जिसने संत के पक्ष में गवाही दी है। जज दौड़े दौड़े पहुंचे मंदिर की तरफ और उन्होंने मंदिर में जाकर पुजारी जी से बातचीत की कि आखिर जो भी समन भेजा गया था उसको कौन पढ़ता था, कहाँ पहुंचाया जाता था। वही बिहारी जी मंदिर के गोस्वामी जी ने जज को बताया कि मंदिर में जो भी चिट्ठी, न्योता, समन जो कुछ भी आता है उसे बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है और बिहारी जी हर एक निमंत्रण का जवाब देने जरूर पहुंचते हैं। ये सब सुनकर जज बौखला गए, घबरा गए और गली गली बिहारी जी को ढूंढने लगे। जी हाँ, तो ये थी पागल बाबा के बिहारी जी से मिलन की कहानी। मेरा नाम आशीष भारद्वाज है, मैं इस मंदिर में सेवादार हूँ। जी, बाबा श्री का नाम श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा। पागल बाबा इसलिए उनका नाम फेमस पड़ा कि जब भंडारा चलता था तो किसी के भी दोना प्रसाद से बाबा लेके उसका स्वाद करते थे कि कैसा बना है भक्त का खाना, जूठा कर देते थे, किसी का भी जूठा खा लेते थे कहीं भी। तो कभी भक्ति में इतना लीन हो जाते थे, हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे कि बाबा का दिन रात भंडारा चलते रहता था। जैसे खिचड़ी प्रसाद, मेन बाबा का प्रसाद था खिचड़ी प्रसाद। बाबा श्री का यहाँ पे शिव मंदिर है, कुंड है हमारा, वहाँ पे नाव में राधा गोविंद भगवान को रखते थे, वहाँ भोग प्रसाद चढ़ाते थे। बाबा श्री का कुटिया यहीं पे शिव मंदिर के बगल में। और मंदिर का टाइमिंग्स वगैरह क्या है, कितनी टाइमिंग? आपका सुबह 7 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलता है, 8 बजे बंद हो जाता है। और कितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? यहाँ संख्या जैसे लाखों की संख्या में आते हैं, सावन के मास में लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। तो पागल बाबा की कहानियाँ हमने जानी। पागल बाबा की दो कहानियाँ हैं, एक तो जज वाली कहानी और दूसरी ये है कि पागल बाबा काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। कई दिव्य चमत्कार इस मंदिर में हुए, कई लोगों ने इस चमत्कार की अनुभूति की, गई लोगों को एहसास हुए बाबा की शक्तियों के। और फिलहाल मैं आपको लेकर जा रही हूँ बाबा की समाधि के पास, जहाँ बाबा ने स्वयं समाधि। समाधि के अगर दर्शन कराए जाए तो आप देख पाएंगे कि समाधि के ठीक ऊपर माँ काली की
प्रतिमा विराजमान है और साथ साथ भगवान शंकर भी है। पागल बाबा की इस मंदिर में आरती भी होती है, पागल बाबा की चालीसा भी यहाँ पर है, इसको यहाँ पर प्रिंट करवा के लगवाया गया है। बाहर से दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपको गर्भगृह के साथ साथ मंदिर के अंदर से दर्शन बलराम जी के दर्शन, और ऐसे ही आपको 9 मंजिलों पर अलग अलग भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं तो मंदिर के प्रांगण में अलग अलग स्थानों पर भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको हर मंजिल पर यानी हर फ्लोर पर अलग भगवान के दर्शन होंगे। मंदिर की टाइमिंग से लेकर मंदिर की परंपरा, मंदिर में मानी जाने वाली चीज़ें और साथ साथ पागल बाबा की कहानियाँ वो मैंने आप तक पहुँचाई। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे, धन्यवाद।